सब्सक्राइब कीजिए जायका NH12 और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे जरिए अपलोड की गई कोई भी जायकेदार डिश आपसे मिस न हो सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका NH12। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन अंगारा, जो कि एक बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। चिकन अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ लिया 1 टीस्पून खड़ा धनिया, 2 खड़ी लाल मिर्चें, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 8 लौंग, 8 काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा। सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसका पीस के एक बारीक पाउडर बना लेंगे। जो मसाला हमने भुना था उसका पीस के मैंने ऐसे पाउडर बना लिया है। और अब हम लेंगे 1 कप दही और ये सारा जो पीसा हुआ पाउडर है ये इसमें मिलाएंगे। और इस मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने लिया 1/2 किलो चिकन, ये सारा इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम किया है और इसमें मैं 1 मीडियम साइज पिसी हुई प्याज डालूंगी। और प्याज का पानी सूखने तक इसे हम अच्छे से तेल में हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। तो इसमें प्याज का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके इसको सिर्फ पीस लिया है। और टमाटर के पेस्ट को भी अब हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटर भी इसमें पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। आप लाल मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ मिर्च पसंद है तो। और ये सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सारे मसाले जले ना एकदम। और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब जब ये तेल छोड़ देगा थोड़ा, तो हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो। और चिकन के साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। तो चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे। काफी अच्छे से गल चुका है। मैं एक पीस इसका आपको चेक करा देती हूँ। तो
ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून फ्रेश क्रीम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम इसके बीच में रखेंगे एक एल्युमिनियम की कटोरी या फिर स्टील की कोई भी कटोरी। और अब इस पर रखेंगे अंगारा और इस पर कुछ ड्रॉप्स घी के डाल के या तेल के डाल के इसे कवर कर देंगे। और जब तक इसमें स्मोक है हम इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो चिकन अंगारा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चावल या पराठे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल जायका एंड श्वेल्फ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।